ओके, लेट्स स्टार्ट विथ सेंट्रल मेजर ऑफ सेंट्रल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो आज अपने को बेसिकली पूरा टेंडेंसी कंप्लीट करके जाना है। टेंडेंसी टेंडेंसी का मतलब होता है कि अपने पास डेटा है और उस डेटा का रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, जैसा नेशन का पीएम, स्टेट का सीएम, तो उस डेटा का भी मुझे एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। क्योंकि पूरे डेटा का डिस्क्रिप्शन अगर मैं देता बैठूं तो वो उतना अच्छा डिस्क्रिप्शन नहीं बन सकता है, इसीलिए मुझे एक नंबर, एक वर्ड चाहिए जिसके अंदर वो पूरा समा जाए, तो उसको बोलते हैं टेंडेंसी। तो बेसिकली टेंडेंसी पूरे इसको रिप्रेजेंट करेगा, पूरे डेटा को। तो उसको रिप्रेजेंट करने के मेथड्स पांच है, टाइप्स तीन है, ठीक है। तो अभी उसके अंदर अरिथमेटिकल मीन, मेडियन मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। तो पहला क्वेश्चन यहीं पे आ सकता है, तीन क्वेश्चन यहाँ पे बन गए। मेथड्स कितने? पांच। टाइप्स कितने? तीन। नंबर ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से कितना आया? नंबर ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो भी तुम कितने को टिक करेंगे? तीन को टिक करेंगे। नंबर ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को तीन, मेथड्स पांच, टाइप्स तीन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा कि पोजिशनल एवरेजेस के अंदर क्या आएगा। तो तुम्हारे पोजिशनल एवरेज, पोजिशनल एवरेज में दो आते हैं, मेडियन मोड एंड रेशियो एवरेज में दो आते हैं, जीएम एचएम। ये रेशियो एवरेजेस, तो तुमको एग्जाम में आ सकता है कि रेशियो एवरेजेस के नाम क्या है, जीएम एचएम बोलते आना चाहिए। पोजिशनल एवरेज के नाम क्या है? मेडियन एंड मोड, ये उसका नाम है। फिर आइडियल मेजर में क्या क्या होना चाहिए, बहुत सारे पॉइंट्स है, ठीक है। तीन सीरीज है, सिंपल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। तो सिंपल सीरीज किसको बोलते हैं, विच वन इज नोन एज सिंपल सीरीज? तो सिंपल सीरीज बेसिकली ऐसा जहां पे पूरा डेटा कॉमा कॉमा फॉर्मेट में दिया गया हो। एक मिनट, सिंपल सीरीज ऐसा डेटा जो पूरा डेटा कॉमा फॉर्मेट में, से 2, 4, 6, 1, 3, 5, ऐसा जब भी मैं डेटा लिखता हूं तो वो डेटा हो जाएगा सिंपल सीरीज। वही अगर मुझे डिस्क्रीट सीरीज बोल दिए, डिस्क्रीट सीरीज एक्स और एफ फॉर्मेट में रहेगा, एक्स और एफ 2, 4, 6, 8, 10, और इसकी फ्रीक्वेंसीज रहेंगे 2, 3, 4, 5, 1। तो ऐसा जब डेटा रहेगा तो वो डिस्क्रीट सीरीज जिसमें एक्स एंड एफ है, और थर्ड इज कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज मतलब एक्स और एफ रहेगा बट एक्स क्लासेस में रहेगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, फिर 3, 4, 5, 3, 2, ऐसा कुछ। तो ये हो गया कंटिन्यूअस सीरीज। तो तीन सीरीज रहेंगे, पांच मेथड्स हैं, और हर मेथड का तीनों सीरीज का फॉर्मूला रहेगा। जैसा फॉर एग्जांपल सबसे पहला है अरिथमेटिकल मीन। अरिथमेटिकल मीन, अरिथमेटिकल मीन को लेमैन लैंग्वेजेस में बोलेंगे एवरेज, और इसको ही स्टैटिस्टिक्स में रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स बार के फॉर्मेट में एंड, वेरी गुड, म्यू के फॉर्मेट में, एक्स बार एंड म्यू के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सिंपल एक्स बार का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स बाय एन, और अज्यूम मीन मेथड है ए प्लस समेशन ऑफ डी बाय एन। तो दो तरीके से तुमको अरिथमेटिकल मीन निकालने को आएगा। तो जैसे ऊपर का डेटा निकालो, इसका मीन 2, 4, 6, 1, 3, 5, कितना आया? हाँ, 3.5। 3.5 इसका अरिथमेटिकल मीन है। बेसिकली तुमने क्या किया, 6 नंबर का टोटल लिया, डिवाइडेड बाय 6 किया, तो 3.5 मीन आ गया। डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज का मीन का क्या फॉर्मूला है? डिस्क्रीट सीरीज समेशन ऑफ एफ एक्स बाय समेशन ऑफ एफ। अब इसको कैलसी पे कैसा करेंगे, 2 into 2 = मेमोरी प्लस, 4 into 3 = मेमोरी प्लस, करते जाओ। यहां पे फ्रीक्वेंसी का टोटल चेक करेंगे एक बार, 5 और 10,
मीन बताओ, 6 आ रहा है सबका, आ रहा है क्या? यस, तो बेसिकली 6 आ रहा है इसका। तो तुमने क्या किया, समेशन ऑफ एफ एक्स बाय समेशन ऑफ एफ, तो ये 15 से डिवाइड करें, समेशन ऑफ एफ एक्स कितना आ रहा था, 90, तो ये आ गया 6। अब वही कंटिन्यूस सीरीज का अगर मुझे मीन निकालना है तो फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला समेशन ऑफ एफ एक्स बाय समेशन ऑफ एफ ही रहेगा, बस एक चेंज है कि यहाँ पे एक्स जो है वो मिड वैल्यू रहेगा, तो मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो 0 टू 10 का क्या आता है, 5, 15, 25, 35, 45। एक बार अगर मिडल वैल्यू निकाल लिए, एक बार अगर मिडल वैल्यू निकाल लिए उसके बाद ये डिस्क्रीट सीरीज के जैसा ही सवाल होगा। इस मिडल वैल्यू को अपन एक्स बोलते हैं और फ्रीक्वेंसी तो तुमको पता थी, तो समेशन ऑफ एफ एक्स बाय समेशन ऑफ एफ, फ्रीक्वेंसी का टोटल आ रहा है 12 प्लस 4 16 और 3 19। समेशन ऑफ एफ एक्स बताओ, समेशन ऑफ एफ एक्स बताओ, हाँ ओवर 71, सब कुछ करके कितना है, ओके हाँ मीन 25 डॉट, तो तुम्हारा मीन आया 25। तो ये मेथड है तुम्हारे सिंपल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज का निकालने का। तो तुम्हारे पहले मिडिल वैल्यू, ओके क्विक क्वेश्चन, ये कौन सा टाइप ऑफ सीरीज था, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, ये इंक्लूसिव है एक्सक्लूसिव है, एक्स और इन, हाँ एक्स इज ऑलवेज राइट, तो बेसिकली एक्सक्लूसिव सीरीज है ये, और ये एक्सक्लूसिव सीरीज, अगर सपोज डेटा इंक्लूसिव रहता, डेटा अगर इंक्लूसिव रहता तो एक्सक्लूसिव करना पड़ता है क्या, नहीं कोई जरूरत नहीं है, तुमको कोई करने की जरूरत नहीं है। अभी से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10 टू 18, 20 टू 28, 30 टू 38 करता, ये इंक्लूसिव है एक्सक्लूसिव है, 10 से 20 का मिडिल वैल्यू कितना रहा देखो, ओके सॉरी नहीं वो पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो जाता है, पर ठीक है इतना याद रखो कि करने की कोई जरूरत नहीं, और कर भी दिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, करने की जरूरत भी नहीं है और कर भी दिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके ये सिंपल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, ये तुम्हारे अरिथमेटिकल मीन का हो गया। अभी अरिथमेटिकल मीन के अंदर बोलते बोलते एक आया अज्यूम मीन मेथड, तो अज्यूम मीन मेथड जब भी नंबर बड़े बड़े होते तो सब में से एक बड़ा नंबर हटा दिया जाता है, छोटे नंबर में कन्वर्ट करते और छोटे नंबर का मीन उस बड़े नंबर में ऐड करते थे तो तुमको मीन मिल जाता है, तो जो बड़ा नंबर हटा दिया उसको अज्यूम मीन ऐसा बोलते। से फॉर एग्जाम्पल मुझे निकालना है 58, 55, 52, 59, 60, 51, 54। अब इसका मुझे मीन निकालना, तो सब में से मैं 50 कॉमन निकाल सकता हूं, तो ए विल बी 50, तो नंबर बचेंगे 8, 5, 2, 9, 10, 1, 4, इनका निकालो, इसका एवरेज निकालो, फाइव पॉइंट फाइव सेवन, तो तुम्हारा एक्स बार आता है ए प्लस समेशन ऑफ डी बाय एन, तो 50 प्लस 5.57, तो 55.57, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्रॉस चेक करने के लिए ट्राई करके देखो, ऊपर वाले नंबर्स का मीन निकालो 55.57 आता है कि नहीं, तो ऊपर वाले नंबर्स का भी एवरेज 55.57 आता है, क्रॉस चेक करो एक बार आ रहा है क्या, आ रहा है, ओके। तो सिंपली अज्यूम मीन निकालने का तरीका है कि कोई भी एक नंबर अज्यूम कर सकते हो,
कोनो प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर अलग अलग क्लासेस दिए वाले हैं, सपोज अलग अलग क्लासेस दिए वाले हैं और उसमें से मुझे अज्यूम मीन निकालना है, मैंने तरीका सिखाया था, देखते कितने लोगों को याद है। 1 से 5, 6 से 16, 16 से 36, 36 से 46, 46 से 50। ओके, सपोज ये डेटा है 3, 5, 8, 4, 3 ऐसा कुछ। अब मुझे अज्यूम मीन निकालना है ए। बताओ अज्यूम मीन ए कैसे ढूंढा जाता है? अज्यूम मीन ए, इसका अज्यूम मीन कैसे मिलेगा? कैसे निकालते हैं अज्यूम मीन? ओके, ध्यान दो, अज्यूम मीन कंटिन्यूस सीरीज में कैसे निकालते हैं? सबसे छोटा नंबर लो 1 और सबसे बड़ा नंबर लो 50। 50 प्लस 1, 51। डिवाइडेड बाय 2 करो, कितना आया? 50 प्लस 1/2 कितना आया? 25.5। 25.5 किस क्लास को बिलोंग करता है? 16 से 36 क्लास को बिलोंग करता है। अब 16 से 36 क्लास को वो बिलोंग करता है, 16 से 36 क्लास को बिलोंग करता है 25.5। तो अभी इस क्लास का मिड वैल्यू क्या है? 16 से 36 का मिड वैल्यू निकालो। 16 से 36 का 26। तो एक्चुअली अज्यूम मीन क्या हो गया? 26। तो इस तरीके से निकाला जाता है। कैसे निकालेंगे? सबसे छोटा नंबर, सबसे बड़ा नंबर, उसका एवरेज निकालो। वो एवरेज किस क्लास को बिलोंग करता है वो देखो, और उस क्लास का मिडिल वैल्यू विल बी द अज्यूम्ड मीन। लिख के रखो, खुद को ब्रह्मात्मा समझते एकदम। कैसे? तीसरी बार बता रहा हूँ क्लास में। बाबू लोग एक तो सीरियसली बैठो, न तो मत बैठो, टाइम पास करने के लिए मेरे क्लास में मत बैठो। लिख लिए? ओके, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका अज्यूम इन ढूंढ के बताओ। ओके, करो इसका अज्यूम मीन निकाल के दो। अज्यूम मीन कितना? 35। चेक करो, 5 प्लस 72, 5 प्लस 72/2, 77/2 कितना था? 37।
अरे 35 नहीं आता ना। थर्टी एट पॉइंट फाइव 38.5, 38.5 कौन से क्लास को बिलोंग करता है? 25 से 45, 25 से 45 का मिडिल वैल्यू। तो ये आता है तुम्हारा 35, तो मिड आंसर हो गया 35, 38.5 आंसर नहीं रहेगा। ओके, फिर उसके बाद अपन अरिथमेटिकल मीन के प्रॉपर्टीज के ऊपर आए। अरिथमेटिकल मीन के प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर एक आधे सीरीज में से मीन माइनस किया, एक आधे सीरीज में से मीन माइनस किया और उसके जो नंबर बचते हैं उसका टोटल क्या रहता है? जीरो। सम ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम अरिथमेटिकल मीन इज जीरो, दैट इज एक्स माइनस एक्स बार का टोटल जीरो रहेगा। अगर एक आधे सीरीज में एक ही कॉन्स्टेंट के रिपीट होता है, टू 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 टू, तो उसका मीन भी क्या रहेगा? टू रहेगा। चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल के ऊपर आए थे। वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ए को क्या बोलते हैं? चेंज ऑफ ओरिजिन, और बी को क्या बोलते हैं? चेंज ऑफ स्केल। तो बी को चेंज ऑफ स्केल और ए को चेंज ऑफ ओरिजिन बोलते हैं। और टेंडेंसी को दोनों से फर्क पड़ता है क्या? यस, टेंडेंसी को दोनों से फर्क पड़ता है। चेंज ऑफ ओरिजिन से भी फर्क पड़ता है, चेंज ऑफ स्केल से भी फर्क पड़ता है। चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब एक आधे नंबर प्लस और माइनस करना, चेंज ऑफ स्केल मतलब एक आधे नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करना। तो ये कब काम आता है कि तुमको क्वेश्चन ऐसा दिया रहता है कि एक्स बार इज 10, देन व्हाट इज वाई बार इफ 2x+4y इज इक्वल्स टू 20। बताओ क्या करना है ऐसे सिचुएशन में? एक्स बार दिया है, वाई बार पूछा है, तो तुमको क्या करना है? सीधा सीधा एक्स बार की वैल्यू, लास्ट वार्निंग इधर, लास्ट वार्निंग करने का है तो सीरियसली करो। एक्स बार इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट अप करो, एक्स बार का 10, तो 2 × 10+4y इज इक्वल्स टू 20। तो 4y इज इक्वल टू 20 − 20, तो y इज इक्वल्स टू 0 आ जाता है। तो तुम्हारा y बार 0 हो जाए। तो तुमको x बार दिया और y बार निकालना है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सीधा इक्वेशन में वैल्यू पुटअप करनी है। और ये मीन, मेडियन, मोड, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, पाँचों के लिए करना है, किसी एक के लिए नहीं करना है, पाँचों के लिए करना है। इक्वेशन दिया रहेगा, इक्वेशन में वैल्यू पुटअप करो। बहुत बार तुम कंफ्यूज इसमें होते हो कि बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि एक्स बार इज 5, देन मीन ऑफ 2x+5। तो 2x+5 इतना दिया रहता, मीन ऑफ 2x+5, तो तुमको इनडायरेक्टली समझना है कि 2x+5 इज इक्वल टू वाई। ये साइलेंट है, ये तुमको समझने का है कि 2x+5 इज इक्वल टू वाई रख दो और एक्स बार की वैल्यू इसमें डाल दो, 2 × 5+5, तो आंसर आता है 15। तो वाई बार तुम्हारा हो जाएगा 15। तो बेसिकली तुमको बहुत बार इक्वल टू वाई देंगे नहीं, तुमको सिर्फ ब्रैकेट में लिख के देंगे 2x+5, तो तुमको उसको इक्वल टू 5 लिखना पड़ेगा, वो तुमको एग्जाम में नहीं देंगे, तो तुम कंफ्यूज नहीं होना। तो सीधा सीधा इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुटअप कर देने का है। एंड लास्ट इज कंबाइंड अरिथमेटिकल मीन। कंबाइंड अरिथमेटिकल मीन, अगर दो से ज़्यादा ग्रुप है और मुझे उसका मीन निकालना है, तो फॉर्मूला इज n1x1 बार + n2x2 बार डिवाइडेड बाय n1 + n2। और ऐसे कितने भी ग्रुप्स ऐड कर सकता हूँ, उसकी कोई लिमिट नहीं है, आई कैन ऐड n नंबर ऑफ ग्रुप्स। अब से फॉर एग्जाम्पल कि तुमको दिया है n1 50, n2 40, x1 बार 30, x2 बार 40। बताओ x1 2 बार, ट्राई करो सॉल्व। थर्टी फोर पॉइंट फोर फोर, बाकी लोग करो।
पचास इंटू तीस प्लस 40 × 40 डिवाइडेड बाय 50 + 40। कितना आता है? 3100/90। बोलो कितना आता? 34.44 आ गया। तो ये तुम्हारा कंबाइंड अरिथमेटिकल मीन। तो बेसिकली यहाँ पे तुम्हारे मीन के पूरे खत्म हो जाते हैं। तो तुमको जो रिवाइज करना है पढ़ सकते हैं। मैं अभी 5-6 क्वेश्चंस बना के देता हूँ, ट्राई करो तुम खुद से सॉल्व करना और टेस्ट करो कि खुद को कितना आ रहा है अरिथमेटिकल मीन का। जो भी कॉन्सेप्ट अभी देखो, अपने सिंपल सीरीज फार्मूला देखा, डिस्क्रीट सीरीज फार्मूला देखा, कंटिन्यूस सीरीज का फार्मूला देखा, अज्यूम मीन देखा, चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल देखा एंड कंबाइंड अरिथमेटिकल मीन देखा। तो इतने 7 टाइप बन जाते हैं सिर्फ टेंडेंसी के क्वेश्चंस के अंदर। तो तुमको ट्राई करना है कि अपने को 7 में से कौन सा जम रहा है। अगर 7ों के 7 आ गए अच्छी बात है, नहीं आए तो यहाँ पे ट्राई करो, जम गया अच्छी बात, नहीं जमा तो घर पे टिक करके रखो कि इसके रिलेटेड क्वेश्चंस अपने को पढ़ना है। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस बना के देता हूँ, तुमको लिखना है, मैं डिक्टेट करूंगा वो क्वेश्चन, लिखो पहले फिर ये क्वेश्चंस दूंगा। लिखो क्वेश्चन, इफ एवरेज वेट, एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स, ऑफ 30 स्टूडेंट्स, एवरेज वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज 45, 45, 3 टीचर्स ज्वाइंट द ग्रुप, 3 टीचर्स ज्वाइंट द ग्रुप, 3 टीचर्स ज्वाइंट द ग्रुप, एवरेज वेट इंक्रीज्ड बाय, या एवरेज वेट इज, एवरेज वेट इज, एवरेज वेट इज 48। देन फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, टोटल वेट ऑफ टीचर्स, टोटल वेट ऑफ टीचर्स, एवरेज वेट ऑफ टीचर्स, टोटल वेट ऑफ टीचर्स, एवरेज वेट ऑफ टीचर्स। ये 2 क्वेश्चंस हो गए, 5 क्वेश्चन डिस्प्ले में है, वो सॉल्व करना है फटाफट, सबका मीन ढूंढना है। सात क्वेश्चन के आंसर आने चाहिए तुम्हारे। यू हैव 5 मिनट्स टू सॉल्व मैक्स, 5 ही ज्यादा छुआ, 4 मिनट्स।
ओके, 2 मिनट्स रिमेन। लास्ट 1 मिनट। ओके, टाइम अप। तो अभी क्या करो, तुम्हारे आंसर्स क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऐसा लिख के रखो, बाजू वाले के साथ बुक चेक दे दो, चेक करेंगे कि तुम्हारे कितने करेक्ट आए। लाइन से लिखो तुम्हारे जो भी आंसर्स है, लाइन से लिखो तुम्हारे आंसर्स, फिर बाजू वाले के साथ बुक एक्सचेंज करना है। ओके, लेट अस चेक। चेंज कर दी बुक, लिख लिए। ओके, फर्स्ट, सबसे पहले तो पॉइंट में रह सकता क्या डेटा? डेटा पॉइंट में रह सकता क्या? हाँ कि ना? पक्का? हाँ रह सकता, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, वो रह सकता है। तो फर्स्ट का आंसर डिवाइडेड बाय 6, तो 3.2 आना चाहिए फर्स्ट का आंसर। ओके, तो 3.2 है तो मार्क्स दे दो। निगेटिव रह सकता क्या? यस, एक्स निगेटिव रह सकता है, एक्स पॉइंट में रह सकता है, फ्रीक्वेंसी नहीं रह सकती। सेकेंड का आंसर तुम्हारा आना चाहिए 19.76, 19.76, ये दूसरा मार्क। थर्ड, फाइंड अज्यूम मीन एंड मीन। तो सबसे पहले तो मीन ढूंढेंगे, 2 to 7 का मीन। ओके, 2 to 7, 8 to 13, 14 to 19, 20 to 25। ओके, अगर मैं इसको इंक्लूसिव का एक्सक्लूसिव करूं तो 1.5 से 7.5, 1.5 का 1.5 प्लस 7.5 करो तो 8, 9 डिवाइडेड बाय 2 करो तो 4.5 आता है। तो मिडिल वैल्यू को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुमने इंक्लूसिव किया है या एक्सक्लूसिव किया है, 4.5। फिर आता है तुम्हारा 10.5, 16.5, 22.5। तो FX आता है तुम्हारा 14, की टोटल आई 14, ये आई ये। तो तुम्हारा थर्ड का आंसर आना चाहिए 13.5 इज द करेक्ट आंसर। अभी अज्यूम मीन निकालना है। अज्यूम मीन मैंने क्या बताया, फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड करो, 2 प्लस 25 कितना आता है, 2 प्लस 25, 27 बाई 2, 13.5। 13.5 किस क्लास में आता है? 14 to 19 क्लास में आता है। 14 टू 19 क्लास का मिड वैल्यू क्या है? 14 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2,
16.5, तो अज्यूम मीन आता है 16.5, अज्यूम मीन आया क्या 16.5, वो देखो। तो ये फोर्थ आंसर है या 13 का सेकेंड आंसर, अज्यूम मीन। फिर फोर्थ, अज्यूम मीन 40, समीशन ऑफ डी इज -30 n 10, तो मीन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला है a प्लस समेशन ऑफ d बाय n। अज्यूम मीन कितना था, सॉरी अज्यूम मीन था 40 माइनस 30 बाय 10, तो 37 आता है। तो 37 आंसर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर फोर का, 37। एक्स का मीन दिया था 20, वाई का ढूंढने का है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 50। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 50, एक्स की वैल्यू 20 उसमें डाल दो, एक्स की वैल्यू 20, 3 × 20 − 4y = 50, −4y = 60 उधर डाल दो, तो 4y = 10, y = 2.5, तो 2.5y बार आ गया। ये तुम्हारा फिफ्थ का आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन पूछा था कि टीचर्स ऐड हो गए, तो यन वन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट थे 30, तो यन वन हो जाता है तुम्हारा 30। एक्स वन बार उनका एवरेज वेट था 45, तो एक्स वन बार इज 45। एन टू तीन टीचर्स थे, एक्स टू बार पता नहीं है, 48 टीचर्स का एवरेज वेट नहीं है, ग्रुप का हुआ था, तो एक्स टू बार मिसिंग था। एक्स वन टू बार दिया था 48, तो तुमको 30 × 45 + 3 × x / 33 = 48 दिया था। अभी इसको सॉल्व करना है, 30 × 45 कितना, 1350 + 3x = 48 × 33, 1584, तो 3x = दोनों का डिफरेंस लो 234, तो टोटल वेट आता है, टोटल वेट 234 और एवरेज आता है 234/3 70, तो ये दो आंसर चाहिए, 78 and 234। तो देखो कितने आंसर्स हो गए, 8 आंसर हुए मेरे ख्याल से, टोटल आंसर्स 8 है। चेक करो 8 में से कितने मार्क्स अपने अपने दोस्त को दे रहे, बुक वापस दे दो। हाँ अब मुझे बताओ हाउ मेनी 8 on 8, कितने लोगों को 8 में से 8 है, 8 में से 8, 7, 6, 5। हाँ तो तुम्हारे कौन से गलत जा रहे हैं वो तुम्हारा देखो और लिख के रखो कि अरिथमेटिकल मीन में कौन से तुम्हारे नहीं जमे, वो क्वेश्चन घर पे जाके तुमने प्रैक्टिस करना चाहिए। ओके तो लिख के रखो तुम्हारे 8 में से कौन से गलत गए, अज्यूम मीन गलत गया, या तुम्हारा कंबाइंड अरिथमेटिकल मीन निकालते नहीं आया, तो उसकी प्रैक्टिस करना है, ये तुम्हारा इंडिकेशन है। तो तुमको इससे समझ में आ जाएगा कि अपने को क्या करना है और क्या करना नहीं है। मूविंग टू द नेक्स्ट, ओके तो पार्टीशन वैल्यूज के ऊपर आ रहे हैं अपन। अब सब तो भरा वाला छे, पार्टीशन वैल्यूज पार्टीशन
पार्टीशन वैल्यूज उसमें आते हैं तुम्हारा मीडियन, क्वार्टाइल्स, ऑक्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल। मीडियन कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? क्वार्टाइल, ऑक्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल एंड कितने होते हैं वैल्यूज? मीडियन की कितनी वैल्यू है? एक। क्वार्टाइल कितने? ऑक्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, 99। तो अगर अगर मुझे सिंपल सीरीज का ये सब निकालने को बोला है, से सिंपल सीरीज दी वाली है 5, 10, 3, 2, 11, 20, 21, तो सपोज इतने नंबर्स दिए वाले हैं, छोड़ो ऐड कर देंगे 25, 32। तो अभी मुझे इतने नंबर्स दिए वाले हैं, तो और उसके अंदर मुझे से क्वार्टाइल 3 ढूंढना है, ऑक्टाइल 2 ढूंढना है, डेसाइल 6 ढूंढना है, परसेंटाइल 55 ढूंढना। ओके, तो ऐसे कुछ वैल्यूज ढूंढने हैं। तो सबसे पहला थंब रूल क्या करना है जो तुम भूल जा सकते हो? तो पहला थंब रूल है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर 2, 3, 5, 10, 11, 20, 21, 25, 32, ये लग गया असेंडिंग ऑर्डर में। अब मुझे Q3 ढूंढना है, तो n प्लस वन मुझे याद रखना है, n प्लस वन। क्वार्टाइल कितने पार्ट में डिवाइड करता है? 4। कौन सा क्वार्टाइल ढूंढना है? थर्ड। तो थर्ड क्वार्टाइल, तो कितने नंबर है गिनो? 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 प्लस 1, 10 बाय 4 × 3 करो, 10 बाय 4 × 3। तो 7.5 इज नॉट द आंसर। ये क्या है? पोजीशन है। तो सेवेंथ पोजीशन पे कौन सा नंबर है? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7। तो 21 प्लस 0.5, तो 25 माइनस 21 करो, 25 माइनस 21 प्लस 21। तो बेसिकली इसका आंसर आएगा तुम्हारा 23। ऑक्टाइल 2, एन प्लस 1 बाय 8 × 2, 10 बाय 8 × 2 करो, 10 बाय 8 × 2, 2.5। तो 2.5 सेकेंड पोजीशन पे कौन सा नंबर है? 3 प्लस 0.5, 5 माइनस 3 बोलो, तो आंसर आएगा 4। डेसाइल 6, एन प्लस 1 बाय 10 × 6, तो 10 बाय 10 × 6 कितना आया? 6। तो 6 पोजीशन पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20। तो डायरेक्ट आंसर आ गया 20। P55 निकालो, P55 कितना?
कितना रहे 15.5, तो पी 55 था, तो 10/100 × 55, तो 10/100 × 55 क्या था 5.5। फिफ्थ नंबर, फिफ्थ पोजीशन पे कौन सा नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 11, 11 + 0.5, तो 20 - 11, तो 15.5 आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो इस तरीके से तुम पार्टीशन वैल्यूज ढूंढ सकते हो सिंपल सीरीज के। पर सिंपल सीरीज के बाद आता है तुम्हारा डिस्क्रीट सीरीज, तो डिस्क्रीट सीरीज में कैसे ढूंढेंगे, सपोज एक्स और एफ दिया है 3, 6, 9, 12, 15, 4, 3, 2, 5, 3, अगर ऐसा दिया है तो तुमको क्या ढूंढना पड़ता है, पहले सी एफ ढूंढो। तो सी एफ ढूंढो, सी एफ क्या क्या आता है, 4 + 3, 7 + 2, 9, 9 + 5, 14 + 3, 17, तो ये आ गया तुम्हारा सी एफ। अब सी एफ आने के बाद सपोज मुझे ढूंढने का है मीडियन, क्वार्टाइल 1, ऑक्टाइल 5, सपोज परसेंटाइल 81, ये सब ढूंढना है। तो मीडियन का फॉर्मूला सेम, एन प्लस वन याद रखना है, मीडियन दो पार्ट में डिवाइड करता है इसलिए डिवाइडेड बाय 2। तो एन की वैल्यू कितनी आ रही है 17, तो 18/2 करो, 18/2 9, 9 आंसर है क्या, नहीं, 9th पोजीशन है, तो 9 पोजीशन सी एफ में ढूंढो। लकीली 9th मिल भी गया और उसका करस्पॉन्डिंग एक्स भी 9 ही चाहिए, इसलिए आंसर कितना 9। क्वार्टाइल 1, एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, तो 18 डिवाइडेड बाय 4 करो, कितना आता, फोर पॉइंट फाइव। ओके, इसका आंसर कौन बताएगा, ट्राई करो 4.5। फिफ्टीन पॉइंट फोर पॉइंट फाइव। तो मैंने तुमको बोला था कि जब भी ये पोजीशन सी एफ के साथ जस्ट एंड होती है, 4.5 और 4 मैच हो रहा है, तो फोर्थ पोजीशन पे कौन सा नंबर है 3, और ये 0.5 जैसे का वैसा, और नेक्स्ट नंबर इज 6, 6 - 3, तो आंसर आता है 4.5। तो जब भी ये 4.5 सी एफ के नंबर से मैच होता है तब तुमको ऐसा करना पड़ता है, ऑक्टाइल 5 ढूंढने की कोशिश करो, 18 by 8 into 5, 18 by 8 into 5, कितना था 18 by 18 to 5, 11.25, 11.25 किधर मिलता 14 के पास, तो आंसर क्या है 12, तो उसका करस्पॉन्डिंग एक्स, तो आंसर आएगा 12। पी 81, 18 by 100 × 81, फोर्टीन पॉइंट फाइव एट आता। अब ये तुम ढूंढ के बताओ, ये आंसर सबको जमना चाहिए, 14.58 कैसे ढूंढेंगे, थर्टीन पॉइंट सेवन फोर, ये 14.58 क्या आया पोजीशन आई, 14th नंबर पे कौन सा नंबर है 14th पे 12, तो 12 जैसे का वैसा 0.58, 12 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है 15 - 12, तो करो इसको सॉल्व,
15 माइनस 12 इंटू 0.58 प्लस 12, तो आया था 13.74। ये तुम्हारा डिस्क्रीट सीरीज हुआ है। नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज अगर तुमको दिया है, और सपोज तुमको ढूंढना है मेडियन एंड क्वार्टाइल थ्री, तो सबसे पहले मेडियन के लिए एन प्लस वन बाय टू जो करते थे, इसमें तुमको भूल जाना पड़ेगा। क्या भूलेंगे? प्लस वन नहीं करना है, ये एक्सीडेंटल एरिया है, तो ये प्लस वन बच्चे करते हैं, ये भूल जाओ, प्लस वन नहीं करना। फ्रीक्वेंसी का टोटल लो, थ्री एट सिक्सटीन एटीन ट्वेंटी टू, तो 22/2 कितना आया? 11। 11 कौन से क्लास में आता है उस क्लास को हाईलाइट करो। 11 जिस क्लास में आता है उस क्लास को हाईलाइट करो। अब मीडियन का फॉर्मूला आता है एल वन प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाय एफ इंटू आई, लोअर लिमिट 20 प्लस एन बाई टू 11। ये प्लस वन नहीं करना है, नहीं तो तुम वो याद रखेंगे। हाँ, 11 सी एफ, सी एफ उसके ऊपर वाला नंबर होता है 8, और फ्रीक्वेंसी उसके बाजू वाला नंबर होता है 8, इंटू क्लास लेंथ इज 10। बोलो कितना आता है? 3/8 इंटू 10 20, 23.75। क्वार्टाइल थ्री ट्राई करो तुम, क्वार्टाइल थ्री, क्वार्टाइल थ्री ट्राई करो। कितना? 22.5, 32.5 फर्स्ट ऑप्शन। ओके, क्वार्टाइल थ्री तो एन बाय फोर इंटू थ्री, 22/4 इंटू थ्री कितना था? 22/4 इंटू थ्री 16.5, 16.5 किधर आता है? 32/40 के क्लास में आता है। तो फॉर्मूला बनेगा एल वन प्लस एन बाय फोर इंटू थ्री माइनस सी एफ बाय एफ इंटू आई, लोअर लिमिट 30, एन बाय फोर इंटू थ्री आया 16.5, ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी 16, बाजू वाली फ्रीक्वेंसी 2, क्लास लेंथ 10, तो 30 प्लस 0.5 बाय 2 इंटू 10 करो कितना? 32.5।
तो बेसिकली इस तरीके से सिंपल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज सॉल्व करना है। अगेन इसके प्रॉपर्टीज जो है वो मोर ऑर लेस सेम है, ये भी ओरिजिन एंड स्केल से अफेक्ट होते हैं। एक आधा सीरीज अगर रिपीट होता है तो उसकी पार्टीशन वैल्यूज भी सेम होते हैं, बाकी कुछ कंबाइंड वगैरह तुमको नहीं है। तो अभी बेसिक क्वेश्चंस कुछ दे रहा हूँ, ट्राई करो ढूंढने का टाइम लगा के। अगेन 6 क्वेश्चंस है, मतलब सब बिट्स पकड़ के 6 में से कितने आते देखो। यू हैव 3 to 4 मिनट्स टू सॉल्व, 3 to 4 मिनट्स टू सॉल्व। ओके वेलकम बैक। अपना टेंडेंसी में अरिथमेटिकल मीन के 7 टाइप्स हो गए थे, पार्टीशन वैल्यूज पूरे हो गए। अभी अपन मोड के ऊपर आ रहे हैं कि मोड किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहला मोड, सिंपल सीरीज में मोड ढूंढना बहुत इजी है। सीधा तुमको एक ही चीज देखने की है कि सबसे ज्यादा नंबर कौन सा रिपीट हुआ है। अगर सपोज 3 2 4 1 3 2 1 1 1 1 10, अगर ऐसा कुछ है तो इसमें सबसे ज्यादा रिपीट क्या हो रहा है, नंबर 1 सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ। तो दिमाग नहीं लगाना है, सीधा जो ज्यादा बार रिपीट हुआ वो मोड है, तो मोड है 1। बट एट द सेम टाइम अगर 1 2 3 4 5 ऐसा ही दिया, 1 2 3 4 5, कुछ ज्यादा रिपीट हो रहा है क्या? नहीं। तो इसका मतलब मोड कितना है, नहीं है, इसमें मोड एग्जिस्ट नहीं करता। तो जिसमें एक मोड है, नंबर 1 नहीं, कोई भी एक नंबर मोड है, तो उसको यूनी मोडल बोलते हैं। कौन सा? यूनी मोडल, जिसमें है ही नहीं तो नो मोड। अगर सपोज 1 1 2 2 3 4 5 6 7, तो इसके केस में मोड क्या होगा, 1 दो बार आ रहा है एंड 2 दो बार आ रहा है, तो ये क्या हो गया, बाय मोडल। और मोड क्या है, 1 कॉमा 2। फिर अगर सेम है 1 1 2 2 3 3 4 5 6 7 ऐसा करता हूं, तो मोड हो गए 1 2 3, और इसको क्या बोलेंगे, ट्राई मॉडल, नहीं मल्टी मॉडल, मल्टी मॉडल क्लास। ओके इसके केस में बोलो 1 1 2 2 3 3 4 4, इसमें कौन सा मोड है? हाँ, जब सबकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, 1 भी दो बार आया, 2 भी दो बार आया, 3 भी दो बार आया, 4 भी दो बार आया, तो यहाँ पे नो मोड। तुमको इच्छा होगी 1 2 3 4 बोलने की, बट वो गलत है, इसमें मोड एग्जिस्ट नहीं करता। तो सिंपल सीरीज का एकदम सिंपल है, जो सबसे ज्यादा बार वो मोड। उसके बाद आया अपन डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में भी सिर्फ क्या चेक करना है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 2 4 6 8 10, 2 3 5 3, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 8 की। 5 सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है और वो 8 की है, तो आंसर क्या रहेगा, 8। तो 8 विल बी द आंसर, जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वो मोड, तो इसका मोड क्या रहेगा, 8। बट अगर सपोज 2 नंबर्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, 2 4 6 8 10 12,
टू थ्री फाइव थ्री फाइव फोर। तो सपोज अभी इसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी हो गई? हाँ, सो फाइव फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है और वो किसकी है? सिक्स एंड टेन। तो मोड क्या बनेंगे? सिक्स एंड टेन मोड बनेंगे। तो यहाँ पे मोड बनेंगे तुम्हारे 6.10। बट एट द सेम टाइम अगर सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है, टू फोर सिक्स एट टेन, टू 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 टू, अब तो यहाँ पे मोड नहीं रहेगा, तो नो मोड। तो यहाँ पे मोड नहीं रहेगा, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहनी चाहिए, बट सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है तो कोई मोड नहीं मिलेगा। तो सिंपल एंड डिस्क्रीट सीरीज बहुत इजी है, प्रॉब्लम किसका है? कंटिन्यूअस सीरीज। सपोज कंटिन्यूअस सीरीज दिया है 8 to 12, 14 to 18, 20 to 24, 26 to 30 और 32 to 36, और फ्रीक्वेंसीज दिए हैं 4 6 2 8 3, अगर ऐसे दिए। अब इसका मोड ढूंढना है, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 26 to 30 की है। तो 26 to 30 की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो मोड का फॉर्मूला देखो, L1 प्लस 2F0 माइनस एफ ऑफ माइनस वन, सॉरी F0 माइनस एफ ऑफ माइनस वन, 2F0 माइनस एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ माइनस वन इंटू सी और आई। तो जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसको F0 बोला जाता है, उसके ऊपर वाले को एफ ऑफ माइनस वन और नीचे वाले को एफ ऑफ वन बोला जाता है। लोअर लिमिट 26 नहीं लेना, ये इंक्लूसिव है, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव में 25 to 31। तो लोअर लिमिट हो जाएगी 25, एफ जीरो था 8, एफ ऑफ माइनस वन था 2, 2 into 8 माइनस 2 माइनस 3 इंटू, तो 25 to 31 में कितने नंबर्स आते? 6। तो क्लास लेंथ बन जाती है 6। तुम लोग 4 लेते हो तो ये एक्सीडेंटल एरिया है, तुमको एक्सक्लूसिव का इंक्लूसिव का एक्सक्लूसिव करना पड़ेगा। तो 25 प्लस 6 डिवाइड बाय 16 माइनस 5, 11 इंटू 6 करो, कितना आता है बोलो? सब कुछ करके 28.27। तो इस तरीके से कंटिन्यूअस सीरीज का तुम्हारा मोड निकाले जाएगा। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले क्लास को हाईलाइट करो, फिर उसको इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव करो, और वो फॉर्मूला याद रखना, एफ जीरो माइनस एफ ऑफ वन वाला। ओके, अभी इसके बाद जो अभी पढ़ने जा रहे, मेन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा 100 नहीं, 400% एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है उतने पूरे डिस्कशन के अंदर। रिलेशनशिप बिटवीन मीन मेडियन एंड मोड, ये जो डिस्कशन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। स्टे, सिमेट्रिकल मतलब कौन सा वाला होता है? जिसको अगर मैं मिडल से कट करूं तो इक्वल दो पार्ट होने चाहिए, अगर इक्वल दो पार्ट बनते हैं तो वो कौन सा हो गया? सिमेट्रिकल। तो ये सिमेट्रिकल डायग्राम है। अब ये सिमेट्रिकल डायग्राम जहां से कट करने से सिमेट्रिकल बन रहा है, उस पॉइंट को, उस पॉइंट पे क्या होता है? मीन, मेडियन एंड मोड भी होता है। उसी पॉइंट पे मीन, उसी पॉइंट पे मेडियन, उसी पॉइंट पे मोड, और इसको कौन सा डायग्राम बोला जाएगा? सिमेट्रिकल। ये सिमेट्रिकल है, और इसके अंदर Q1, Q2, Q3 और यहाँ पे Q2 भी रहेगा। और एक जो रिलेशनशिप है सिमेट्रिकल का, Q2 माइनस Q1 का डिस्टेंस Q3 माइनस Q2 के डिस्टेंस के बराबर, Q2 माइनस Q1 का डिस्टेंस Q3 माइनस Q2 के डिस्टेंस के बराबर है, और वो
सिमेट्रिकल डायग्राम में आएगा, Q1, Q2, Q3। अभी तुमको एग्जाम में एक तो ये सिमेट्रिकल के ऊपर क्वेश्चन, मीन मीडियन एंड मोड के ऊपर, नहीं तो क्वार्टाइल के ऊपर का आएगा। फिर दूसरा आएगा असिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल डायग्राम में दो पॉसिबल है, कौन से वाले, पॉजिटिवली स्क्यूड, निगेटिवली स्क्यूड। तुम अभी बोलो फर्स्ट डायग्राम पॉजिटिव है कि निगेटिव है, कैसे समझा, ये जो लाइन है वो किस साइड जा रही है, पॉजिटिव साइड, इसलिए कौन सा है, पॉजिटिवली स्क्यूड, और ये लाइन किधर जा रही है, निगेटिव की तरफ, इसलिए कौन सा हो गया, निगेटिवली स्क्यूड। अब असिमेट्रिकल डायग्राम जब भी बनती है, असिमेट्रिकल डायग्राम के अंदर मीन मीडियन एंड मोड का रिलेशनशिप मेन है। अभी यहां पे अगर मैं देखता हूं, यह है मोड, यह है मीडियन और यह है मीन। मीन, मीडियन, मोड, ओके। तो निगेटिवली स्क्यूड पे ध्यान दो, सॉरी पॉजिटिवली स्क्यूड पे ध्यान दो, और मुझे बताओ सबसे बड़ा वैल्यू किसका है, मोड, मीडियन और मीन, सबसे बड़ी वैल्यू मोड की, सबसे बड़ी वैल्यू तुमको लगेगी पर वो गलत आंसर है। हाइट फ्रीक्वेंसी होती है और नीचे नंबर लाइन होता है, तो सबसे बड़ी वैल्यू मीन की है। सर हाइट कम है ना, वो तो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर लाइन के हिसाब से यहाँ पे जीरो आता है, 1, 2, 3, तो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी हुई, मीन की। तो याद रखना कि पॉजिटिवली स्क्यूड के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू होती है मीन, फिर होता है मीडियन और फिर होता है मोड। बट वही निगेटिवली स्क्यूड में सबसे बड़ा कौन है, मोड, उसके बाद आता है मीडियन और उसके बाद आता है मीन। तो ये कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है बच्चों को, तो ये तुमको ध्यान में रखने का है, मीन मीडियन एंड मोड का रिलेशनशिप बिटवीन सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल के अंदर, और पॉजिटिवली निगेटिवली। तो एग्जाम में याद मत रखो, लगा तो डायग्राम ड्रॉ करो, ड्रॉ करने से तुमको थोड़े बहुत कैलकुलेशन समझ में आ जाएंगे। तो बिना ड्रॉ करे एग्जाम में कंक्लूजन मत लिखना, और इसके ऊपर एक ना एक तो भी क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा, और इसमें क्वार्टाइल्स भी है, अब देखो यहां पे क्वार्टाइल 1 रहेगा, ये क्वार्टाइल 2, ये क्वार्टाइल 3, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3। यहाँ पे क्वार्टाइल एंड क्वार्टाइल 1 एंड 2 का डिस्टेंस जो होता है पॉजिटिवली स्क्यूड में, Q2 माइनस Q1 का डिस्टेंस कम है Q3 माइनस Q2 से, एट द सेम टाइम Q2 माइनस Q1 का डिस्टेंस ज़्यादा है कंपेयर टू Q3 माइनस Q2। तो ये डिस्टेंस या मीन मीडियन एंड मोड के रिलेशनशिप के ऊपर एक क्वेश्चन 100 नहीं 200% आएगा, और ये रिपीट करके जाना वन डे बिफोर एग्जाम, लास्ट डे रिवीजन LDR, या वन डे बिफोर एग्जाम लिख सकते हो, वन डे बिफोर रिवीजन ODR लिख के रखना इसको। और एक रिलेशनशिप पता है अपने को मीन मीडियन एंड मोड की, बोलो क्या पता है, मीन माइनस मोड इज इक्वल्स टू 3 × मीन माइनस मीडियन। तो मीन माइनस मोड इज इक्वल्स टू 3 ×
मीन माइनस मेडियन, तो ये जो रिलेशनशिप है ये कब वैलिड है? ये सिमेट्रिकल रहा तो वैलिड नहीं है, असिमेट्रिकल होना चाहिए मॉडरेटली, तो ये मॉडरेटली असिमेट्रिकल रहा तो ही ये प्रूव होता है। नाउ मीन माइनस मोड, अभी इसके एग्जांपल्स, सपोज मीन की वैल्यू दी है तुमको 50, मोड के वैल्यू दी है 75, अब तुमको मीडियन पूछ रहे, मीडियन कितना? मीन 50, मोड 75, 3 × 50 -x, तो -25 इज इक्वल टू 150 -3x, 3x उधर चला गया तो 3x इज इक्वल टू 175, x इज इक्वल्स टू कितना रहा है? 58.33। तो तुमको ऐसे मीन मीडियन एंड मोड में से कुछ वैल्यूज दिए रहेंगे, कुछ वैल्यू मिसिंग रहेंगे, या ऊपर के थेरी क्वेश्चंस आएंगे, या मोड निकालने का क्वेश्चन आएगा, सिंपल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, ऐसा। तो ये रिलेशनशिप के ऊपर एक क्वेश्चन पकड़ के चलना तो मेन एग्जाम के अंदर, और टेंडेंसी पूरा चैप्टर टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन है, तो टेंडेंसी अकेला 5-6 मार्क का वेटेज रखता है, ठीक है? तो जिसके अंदर 5 है तो हर एक के ऊपर एक 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 क्वेश्चन पकड़ के चलो, मीन एक आएगा, मीडियन एक आएगा, मोड एक आएगा, एक कॉमन थ्योरी क्वेश्चन एक आएगा, ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा मेन एग्जाम के अंदर। चलो फटाफट एक क्वेश्चन दे रहा, लिखो। ओके योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, फटाफट 5 क्वेश्चन से 5 आंसर आने चाहिए, 3 मिनट है तुम्हारे पास सॉल्व करने के लिए। मामा कितने लोगों के हो गए? चलो फटाफट फर्स्ट इसमें क्या आंसर कितना है? 2। 2 तो सिर्फ 2 ही बार आया। हाँ द वर्ड इज हाउ मेनी, तो कौन से ज्यादा बार रिपीट हुए? 5 3 बार है, और 4 3 बार है, बाकी सब 2 बार या 1 बार ही है। तो हाउ मेनी का आंसर आता है 2, नहीं तो एग्जाम में तुम 5 4 देख के कुछ तो टिक करके आएंगे, तो 2 आंसर को टिक करके आना। मोड, इसके केस में मोड क्या है? 5 सबसे हाईएस्ट है, तो आंसर क्या आएगा? आंसर 5 नहीं है, आंसर 8 है। फिर उसके बाद मोड हाईएस्ट किस में है? 10 to 14, इसको इंक्लूसिव कर एक्सक्लूसिव करना पड़ेगा क्या? यस, तो लोअर लिमिट 9.5 प्लस 8 -3 डिवाइडेड बाय 2 × 8 -3 -6 इंटू क्लास लेंथ 5 है क्लास लेंथ,
9.5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9, 7 इंटू 5 करो कितना था 13 पॉइंट। तो थर्ड का आंसर 13.07 आता है। फिर ये स्क्यूनेस पॉजिटिव नेगेटिव चेक करने के लिए बोला था, इनका और इनका गैप चेक करो, इनका गैप छोटा है कि बड़ा है, तो ये 10 है और ये 20 है, तो ये Q2 से Q3 डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड आता है, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्टेंस जिसका ज्यादा उस हिसाब से, मैंने अभी लिख के दिया था डिस्टेंस किसकी ज्यादा है, बराबर है क्या। फिर मीन मेडियन एंड मोड, बोलो मीन कितना है, एक्स माइनस 55 इज इक्वल टू 3 इंटू द ब्रैकेट एक्स माइनस 45, एक्स माइनस 55 इज इक्वल टू 3x माइनस 135, 135 उधर, तो 80 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू 40, तो आंसर चेक करो 2, 8, 13.07 पॉजिटिवली एंड 40, बोलो पांच में से पांच किसको है, 4, 3। ओके अगेन आज का एक्सरसाइज, जो जमा वो लिख के रखो, मतलब जो नहीं जम रहा वो टिक करके रखो, बाद में तुमको वो प्रैक्टिस जा रहे, नहीं रुको रुको हो जाता, 15 मिनट में खत्म ही हो जाता, क्यों पेंडिंग रख रहे। GMNHM उसमें डिस्क्रीट सीरीज नहीं है, कंटिन्यू सीरीज नहीं है, सिर्फ सिंपल सीरीज है। ओके तो सबसे पहले GMNHM, तो यूजेस सबसे पहले ध्यान में रखना है, ये सबसे बड़ा चीज है। अरिथमेटिकल मीन जनरल नंबर्स के लिए याद रखना है। GM कब यूज करना, GM, वेरी गुड, GM कब यूज करना, जब भी डेटा परसेंटेज में हो। GM करना है जब भी डेटा परसेंटेज में हो। HM कब यूज करना, वेरी गुड, स्पीड के टाइम पे HM यूज करना है। और AM कब यूज करना है, नॉर्मल डेटा के टाइम यूज करना है। ओके तो GM कैसा निकालते हैं, अभी ये तुम्हारा क्यूब रूट वगैरह निकालने के हिसाब से है, एक ही कर रहा हूं, तुमको आता मेरे को लगता है। तो से नंबर्स है 8, 12, 15, तो 8, 12, 15, तो सबसे पहले क्या करना, 8 × 12 × 15 करो, 8 × 12 × 15, मुझे नंबर बोलो सिर्फ, तीनों नंबर मल्टीप्लाई करके 14, तो तुमको 1440 का क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट, जो भी नंबर दिए उनको मल्टीप्लाई करो, जितने नंबर है उतना रूट, तो 1440 का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, रूट बटन 12 टाइम माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स करो और बताओ। एलेवन पॉइंट टू नाइन या 11.3 आ रहा क्या, देखो तो 11.3, इस तरीके से तुमको GM निकालना है। तो GM परसेंटेज में यूज होता है। और एक है GM में जो तुमको थ्योरी याद रखनी है, कौन सी, लॉग ऑफ GM किसके जैसा दिखता है, अरिथमेटिकल मीन के जैसा दिखता है, एफ लॉग एक्स बाय समेशन ऑफ एफ, हाँ, तो ये बेसिकली लॉग GM का फॉर्मूला है, ये तुमको पूछा जा सकता है। तो ये तुमको सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा, सिर्फ थ्योरी के लिए पता होना चाहिए। अगर GM निकालने जा रहे पूरे सीरीज में एक भी नंबर जीरो रहा तो GM जीरो हो जाएगा, क्यों, जीरो से मल्टीप्लाई करके कोई भी नंबर जीरो आता है, और निगेटिव रहा तो एक आधा नंबर, तो GM नहीं निकलता है निगेटिव नंबर का। इसीलिए एग्जाम में ऐसे थ्योरी क्वेश्चन आता है, अगर प्रॉफिट लॉस दिया है बिजनेस का तो उसका GM निकालना है या AM निकालना है या HM, तो आंसर तुमने AM लिखना चाहिए। और GM क्यों नहीं, क्योंकि लॉस निगेटिव नंबर है और लॉस निगेटिव होने की वजह से GM नहीं निकल सकता, तो इसीलिए GM के केस में निगेटिव नंबर्स नहीं चाहिए, तो ये तुमको ध्यान में रखना है। अगर दो नंबर का GM पता है और उनको मल्टीप्लाई कर दिए तो GM को मल्टीप्लाई करो,
दो सीरीज को डिवाइड करें, उनके जीएम को डिवाइड करो। कंबाइंड जीएम का फॉर्मूला, कंबाइंड जीएम का फॉर्मूला, जीएम वन इंटू जीएम टू, फिर उसका रूट, जीएम वन इंटू जीएम टू का रूट। दो जीएम दिए तो दोनों जीएम का कंबाइंड जीएम निकाल सकते हैं। देखो कंबाइंड एएम है, कंबाइंड जीएम है, कंबाइंड एचएम है, मीडियन कंबाइंड नहीं रहता, मोड कंबाइंड नहीं रहता। ये सिर्फ तीन ही छे जो कंबाइंड रहते हैं, जिसमें यम आता है, अरिथमेटिकल मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। मीन आता है तो ही सो मीन, सो उसमें कंबाइंड निकालना पॉसिबल है। ओके तो जीएम के बारे में इतना ही है। मैं क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि तुमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी या बाकी मैथ्स में भी बहुत बार वो क्यूब रूट, फिफ्थ रूट निकाले वाले रहेंगे। फिर आते हैं एचएम के ऊपर। एचएम जनरली किसके ऊपर काम आता है? एचएम, हाँ ये एग्जाम में पूछा जाएगा, स्पीड या फिर रेट के लिए। रेट के लिए क्यों? क्योंकि स्पीड कैसा होता है? किलोमीटर पर आवर, तुमको ऐसा बोलते किलोमीटर और नीचे आवर लिखते, और रेट कैसे होते? हाँ पर केजी, पर यूनिट, तो इसलिए पर होता है उसमें। तो इसकी वजह से रेट का भी एवरेज अगर निकालना है, रेट का एवरेज, तो अगर तुमने दो चार चीज़ें खरीदी मार्केट में जाके, शक्कर मैंने नए मुंडे से खरीदी, जूने मुंडे से खरीदी, वजीराबाद में जाके खरीदी, चार बार जगह, और मुझे एवरेज रेट निकालना है, तो उसके लिए क्या यूज़ होना चाहिए? एचएम यूज़ होना चाहिए। तो एचएम के लिए स्पीड का क्वेश्चन आता है तुमको जनरली ट्रेन का। तो अगर ट्रेन जाते समय 50 की स्पीड से गई, आते समय 70 की स्पीड से आई, तो एवरेज स्पीड कितनी? तो कितने स्पीड है? दो, तो 1/50 + 1/70। तो कैलसीपी करो, 1/50 इक्वल टू मेमोरी प्लस, 1/70 इक्वल टू मेमोरी प्लस, 2/ मेमोरी रिकॉल, 58 पॉइंट। तो ये तुमको कैलसीपे करते आना चाहिए। तो ये कैलसीपे पहले ये सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करेंगे, फिर मेमोरी में डालेंगे, और 2/ मेमोरी रिकॉल इक्वल टू, तो तुमको आंसर आ जाएगा 58.33। तो जितने स्पीड्स है उतना एवरेज। तो सपोज इसका तुम निकालो, ए बी सी डी सभी इक्वल डिस्टेंस पे है और स्पीड है, सिर्फ स्पीड दे रहा हूँ मैं, 30 की, 50 की, 80 की, 60 की, निकालो इसका एवरेज, एवरेज स्पीड। कितना रहा है? 48.48.48। आया क्या सबका? कैसा करेंगे? 1/30 इक्वल टू मेमोरी प्लस, 1/50 = मेमोरी प्लस, 1/80 इक्वल टू मेमोरी प्लस, 1/60 इक्वल टू मेमोरी प्लस, सो 4/ मेमोरी रिकॉल इक्वल टू आंसर आ जाएगा 48.48। बट अगर डिस्टेंस भी दिया है तो तुमको डिस्टेंस के साथ फॉर्मूला क्या बनेगा? समेशन ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला बनेगा हार्मोनिक मीन का। जब डिस्टेंस दिया है वो एक क्वेश्चन करो, ए बी सी डी ई। सपोज ऊपर दिया है मैंने डिस्टेंस और नीचे दिया है स्पीड, 100, 150, 80, 80, 60, 40, 90 करो।
380 डिवाइडेड बाय 100 बाय 80 प्लस 150 बाय 60 प्लस 50 बाय 40 प्लस 80 बाय 90। 60 न्यूमेरिक के लिए देखा जाए इतने ही टाइप्स बनते हैं। थ्योरी में एक इम्पॉर्टेंट है, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से कौन इफेक्ट होता है, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से कौन इफेक्ट होता है, वो वाले क्वेश्चंस आर स्क्वायर करके जाना एग्ज़ाम के पहले। ये एग्ज़ाम जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन मॉर्निंग में पढ़ने वाला पार्ट है, ठीक है। तो मॉड्यूल के एडिशनल क्वेश्चन बैंक में तुमको वो क्वेश्चन दिखेंगे, जो भी मॉड्यूल का आंसर है दिमाग नहीं लगाने का, आंसर याद रख लेने का। तो ये टेंडेंसी के हद तक इतना है, बहुत इजी है। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि बहुत सारे टाइप है, छोटे छोटे छोटे, इसके लिए तुमको ये कॉम्प्लिकेट फील होता है। मुश्किल कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। सिर्फ इतना है कि सर इतना याद कौन रखना, वो एग्जाम में हैंग हो जाता कंटिन्यूस सीरीज डिस्क्रीट सीरीज इसका कौन सा फॉर्मूला, तो इसकी वजह से। तो अगर तुम आराम से बैठेंगे एक 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 क्वेश्चन को 5-5 मिनट में देंगे तो पूरा कवर हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, बाकी कुछ भी डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। स्टॉप इट हियर।